काठ गोदाम की पॉलिश शीट में खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस नेता सुमित देश ने स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता का कहना है कि अमृत योजना के नाम पर हल्द्वानी शहर की सभी सड़कों को बेढंगे तरीके से खोद तो दिया गया, लेकिन सड़क बनाने के लिए संबंधित विभाग का कोई ध्यान नहीं, लिहाजा स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के वक्त तत्कालीन वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने जो सड़कें बनाई थी, आज उनकी हालत बदतर हो गई है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। आपके सामने आपने देखा है कितना बुरा हाल सड़कों का कर रखा है। अमृत योजना के नाम पर यहाँ पे सीवर लाइन डालने का कार्य हुआ और उसके बाद जो सड़कों की हालत है, दुर्दशा है, जिसकी वजह से आए दिन लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी ने बड़ी मेहनत से हल्द्वानी शहर की एक एक सड़क, एक एक कोने तक पहुंचाई और आज जो विकास का हाल है उसका यहीं पे आके देखना चाहिए सत्यापन लोगों को कि कैसा विकास इस प्रदेश में हो रहा है, कैसा विकास यहाँ डबल इंजन की सरकार कर रही है। सभी जगह सड़क खोद दी लेकिन अमृत योजना ने लेकिन सड़क बना नहीं पाई, सड़क बना नहीं पाई और सड़क बनाने के नाम पर खानापूर्ति करी गई है। केवल कमीशन खाने का खेल हो रहा है और खानापूर्ति हो रही है। इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग संज्ञान ले, क्योंकि डबल इंजन सरकार से हमें कोई आस नहीं है कि उन्हें विकास से कोई भी संबंध में कोई पीड़ा हो या आम जनमानस के बारे में वो सोच रहे हो। यहाँ पे लोग इस बारी यहाँ पे आम जनता आके सड़कों पे आई है और यहाँ की पीड़ा दर्शा रही है।